टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम कवियों की महफिल में दर्शकों आपका अभिवादन। और जिस तरह से हम हर एपिसोड में देश के धुरंधर कवियों को आपके बीच लेकर उपस्थित होते हैं, हमारा प्रयास है कि कविताओं की सुरम्य वानगियों में आप गोते लगाते हुए और एक से एक कवियों को सुनते हुए आप ऐसे लाभान्वित हों कि आपके अंदरों की मुस्कुराहट भी बरकरार रहे और आपके अंतर्मन में बैठे हुए रस देवता का प्रणवंदन भी होता रहे। इसी कड़ी में इस वक्त इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं खरगोन के लोकप्रिय कवि श्री प्रवीण अत्रे जी को। प्रवीण अत्रे जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी टैलेंटेड इंडिया न्यूज के दर्शकों का। प्रवीण जी, वैसे तो आप हास्य के कवि हैं और व्यंग की कविताएं लिखते हैं और पेशे से आप शिक्षक हैं। चूंकि शिक्षकीय पेशे में रहते हुए अनेकानेक ऐसी हास्य की बातें जो आपकी जिंदगी में अब तक व्यतीत हुई होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक शिक्षक हूँ और ऐसी बातें अक्सर होती रहती है और उन्हीं बातों को लेकर हम कभी कभी हास्य की बातें व्यंग की बातें करते रहते हैं। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछ लिया कि सर आप मुझे बताइए, एक विद्यार्थी से मैंने पूछ लिया कि बेटा बता होमवर्क क्यों नहीं करके आया, बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता, बोले सर माचिस नहीं थी। मैंने कहा माचिस क्यों नहीं थी, बोले सर वो पूजा घर में रखी थी। मैंने कहा पूजा घर में से उठा लेता, बोले सर नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था, बोले सर मोटर चालू नहीं थी। मैंने कहा मोटर क्यों नहीं चालू थी, बोले वही तो रो रहा हूँ कि लाइट नहीं थी। विभिन्न विभिन्न बातों को लेकर की बातें हम अक्सर करते आए हैं और वो बातें शिक्षा क्षेत्र में बहुत उपस्थित है। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि बता पैसिफिक महासागर कहाँ स्थित है, बोले सर मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हो जा, बोले सर यहाँ से भी नहीं दिख रहा। कैसी कैसी बातें। एक विद्यार्थी से मैंने कहा बेटा एक मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में आया तो पट्टा टेबल पे खड़े होके क्या कर रहा है, बोले चीन की आबादी बढ़ा रहा हूँ। तरह तरह की बातें शिक्षा क्षेत्र में। प्रवीण जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को शिक्षा क्षेत्र में व्यतीत हुई बातों का हास्य जो आपका अपनी कविताओं का हिस्सा है वो सुनाइए। सर जैसा बता रहे थे, वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है और बच्चे तो आजकल सर इतने एडवांस हो गए। 1990 तक तो बच्चे पैदा होते थे, उसके बाद आजकल डायरेक्ट बाप ही पैदा हो रहे हैं। 3G जनरेशन है, हाजिर जवाब। मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटा ये बता गंगा कहाँ से निकलती है। मैंने कहा ये बता गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। आजकल की औलाद, बोले सर गंगा जो है मंदिर के बहाने घर से निकलती है और कालू के बाड़े में जाके कालू से मिलती है। तो ये तो इनके जनरल नॉलेज हो गए हैं। अच्छा बच्चे हाजिर जवाब है। सर मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बेटे की बात बताता हूँ, उसका रिजल्ट आने वाला था। अपने को तो मालूम है कि उसका रिजल्ट क्या होना है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा देख कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, अगर फेल हुआ तो मेरे को पिताजी मत बोलना। अब साहब अगला दिन आया, उसका रिजल्ट आने का टाइम हुआ, वो रिजल्ट लेकर घर आया। मैंने कहा क्यों रे इधर आ, क्या हुआ। बोले छोड़ना यार प्रवीण, तुमने पिताजी होने का हाथ खो दिया है। तो औलादे तो सर इतनी एडवांस हो गई है। अच्छा बच्चे तो ठीक है, अब मैं बताऊँ, अपन तो मालवा के लोग हैं सर, मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश, ये बड़ी मस्ती वाला है सर। मैं आपको बताऊँ, अच्छा खाने पीने के तो इतने शौकीन लोग हैं सर। मैं मूल रूप से खरगोन का रहने वाला हूँ, वर्तमान में रतलाम में रहता हूँ और इतने खाने पीने के शौकीन लोग हैं सर, मैं आपको क्या बताऊँ। सर वहाँ पे किसी को आत्महत्या करनी होती है और वो 10 रुपए का जहर लेने जाता है, उसमें भी 3 रुपए किसी को डलवाता है। तो ये से ऐसे, अच्छा ये तो ठीक है सर। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ, माताएं अपने बेटे को ले जाकर डॉक्टर को बताती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब अभी भी इसे सेव का पानी ही देना है या दाने खिला सकते हैं। तो ऐसे खाने पीने के तो शौकीन लोग हैं। अच्छा सर आप मानो ना मानो, जीवन में मध्य प्रदेश में भारत में मूलभूत सुविधाएं 3 होती है, मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, और अपने मालवा में 4 है, रोटी कपड़ा मकान और सेव। मतलब हर जगह खाने पीने का तो स्थितियां तो बहुत बड़ी। अच्छा मेरी किस्मत बहुत खराब है सर, मेरे साथ जो है मेरे को क्रिकेट का बड़ा शौक है। एक चीज क्रिकेट से याद आई मुझे प्रवीण भाई की, एक ऐसी कमेंट्री
जो देश के बहुत कम कवियों ने तैयार की है, उसमें एक आपकी भी बाबा और क्रिकेट वाली कमेंट्री बड़ी लोकप्रिय है जी, जी। और यदि हमारे दर्शकों तक यदि वो हास्य की कमेंट्री आप पहुंचाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा इस एपिसोड के लिए। जी जी सर बिल्कुल। दोस्तों ऐसी सिचुएशन थी, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है और मेरे गांव में लाइट नहीं रहती। अब वो लाइट नहीं रहती तो क्या होता है, मेरे पिताजी का एक 1950 का रेडियो है। अच्छा। और वो रेडियो 1950 का है तो उसकी हालत बड़ी खराब है, बिल्कुल खटारा रेडियो। और उसमें क्या है, बैंड उसके ऑटोमेटिक चेंज होते थे। तो वो जो सिचुएशन बनी थी आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बार जो बैंड पर बाबा के प्रवचन चल रहे होते हैं और एक पर मैच की कमेंट्री चल रही होती है, तो वो जो दोनों की खिचड़ी बनती है, कभी मैच की कमेंट्री लग जाती थी, कभी बैंड बदल के बाबा के प्रवचन शुरू हो जाते थे, तो वो जो दोनों की खिचड़ी बनी है वो आप सबको परोसता हूँ। सबसे पहले बाबा, भक्तों जीवन मोह माया है और भगवान कहते हैं कि आत्मा एक है। और इसी एक रन के साथ सनी देओल को भी पहुंचे 32 पर और घुमा दिया बाल, पहुंची सीधे भगवान के पास। हर एक को जाना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे राहुल द्रविड़ जो कि बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले 3 मैचों में 0 पर आउट हो चुके हैं, भगवान उनसे अवश्य ही नाराज हो जाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है उन्हें टीम से निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ कुंबले का और समाप्त हुआ। दूसरे छोर से बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यमुना किनारे गैया चराने जाया करते थे, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गेंद को बहुत ही ऊपर उठा दिया और गेंद पहुंची सीधे कंस के पास। जाकर प्रभु ने बार बार समझाया पर जब कंस नहीं माना तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया और इस तरीके से शायद अफ्रीदी 0 पर बोल्ड हो गए। अगली गेंद विकेटकीपर ने विकेट के पीछे बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वर्ण पंखा के नाक और कान काट दिए। स्वर्ण पंखा रोती हुई बिलखती हुई सीधे जहीर खान के पास और जहीर खान ने थोक दिया सौरभ की ओर। क्रोध में तलवार लेकर रावण आगे बढ़ा, तलवार को देखते ही कुंबले पहले उनके ओर जाते हुए और इस तरीके से 8 विकेट गिर जाने के बाद भगवान राम ने रावण से कहा कि अब तो सीता वापस कर दो, पर अभिमानी रावण बोला अभी 2 विकेट बाकी शायद टीम नहीं जीत सकती है। और इस तरीके से भगवान राम ने रावण को 7 विकेट चारा कर सीरीज 3-2 से जीत ली है। तालियां तो बजाना ही पड़ेगी भाई। और ये प्रवीण जी ये सच है कि हास्य की बातें संदेह श्रोताओं तक पहुंचती है तो एक नया वातावरण निर्मित होता है जहाँ हास्य की बातों का बड़ा लुत्फ और अलग किस्म का मजा है। जी जी। एक बार बाबा जी से पूछ लिया मेरे गुरु, पत्नी तो प्यार नहीं करती है, मैं क्या करूँ? क्या बात है। बाबा जी ने कहा कभी खाने की तारीफ करी, कभी खाने की तारीफ कर, मेरी पत्नी का भी था मुझ पे यही कहा। मैंने जब कहा बीबी पराठा स्वादिष्ट खाया, तभी किचन में से गन गन बेलन आया। 12 साल हो गए पराठे खिलाते खिलाते, कभी तारीफ के अरमान तक नहीं जगे। आज पड़ोसन क्या दे गई 2 पराठे, तुमको तो बस वही मस्त लगी। क्या बात है, तो बड़ा क्या बात है, तो मामला है। लेकिन हास्य की बातें श्रोताओं के सेहन में जब उतरती है तो लबों की मुस्कुराहट बनकर क्या और वो श्रोताओं को लाभान्वित करती है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चाय वालों की बन पड़ी है और मुझे ध्यान है कि कई कवियों ने चाय को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी है। एक आपकी भी लोकप्रिय कविता है जो पप्पू की चाय को लेकर है, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए। जी जी सर, वो एक छोटू चाय वाला शीर्षक करके मेरी बड़ी वायरल हुई है वो कविता। और मैं कहीं चाय दुकान पे बैठा था सर, तो मैंने एक 7-8 साल का छोटू करके बच्चा चाय लेकर आया, तब मैंने पंक्तियां लिखी थी कि वो छोटू बच्चे का जीवन क्या होगा, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, बचपन से जुड़ा हूँ लोगों की। तो मैंने उस पर लिखा था कहीं कि ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, स्कूल नहीं जाता है, दिन रात मेहनत कर पैसे कमाता है, साहब साहब कह के बुलाता है, साहब साहब कह के बुलाता है और मेरी दी हुई बख्शिश खुददारी से ठुकराता है। वाह, वाह। ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, ये जो छोटू है सुबह जल्दी उठ जाता है, दुकान पर कपड़े पोछे बर्तन लगा धोने लग जाता है,
जल्दी उठ जाता है, दुकान पर कपड़ा बर्तन करने लग जाता है, मालिक की डांट और गालियां खाता है, खुद पर खर्च नहीं करता, एक एक रुपया बचाता है। ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, और ये जो छोटू है ये सारे रिश्ते नाते निभाता है, ये जो छोटू है सारे रिश्ते नाते निभाता है, रक्षाबंधन पर बहन के लिए ड्रेस, माँ के लिए साड़ियाँ लाता है, रक्षाबंधन पर बहन के लिए ड्रेस, माँ के लिए साड़ियाँ लाता है, पिता के श्राद्ध पर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, पिता के श्राद्ध पर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, और दादी का टूटा चश्मा भी सुधरवाता है। और छोटू की बहादुरी देखना, चाहे कितनी तकलीफ हो हर वक्त खिलखिलाता है। ये जो छोटू है जो हमको चाय पिलाता है, और ये जो छोटू है ऐसे देश में कई सारे छोटू है, ये जो छोटू है ऐसे देश में कई सारे छोटू है, जो उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं और अकेले अपने दम पर पूरे घर परिवार को चलाते हैं, ये जो छोटू है जो हमें चाय पिलाता है। इन पंक्तियों के साथ एक शानदार हास्य की कविता, व्यंग की कविता प्रवीण अत्रे जी ने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। निसंदेह हास्य और व्यंग की महफिल में प्रवीण अत्रे जी जैसे कवि जब अपनी जिभा से कविताओं की वानगियां परोसते हैं तो श्रोता लाभान्वित हुए बगैर रह नहीं पाते हैं। मैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल परिवार की ओर से देश के जाने माने निमाड़ के कवि भाई प्रवीण अत्रे जी का हार्दिक आभार व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।